नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बेडुदा रोतिया, आप सभी का हमारे चैनल लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स में स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम एनटीए वीजीसी नेट पेपर फर्स्ट की जो संप्रेषण है, कम्युनिकेशन यूनिट है, ठीक है, ये शायद मेरा लगता है कि ये चौथा यूनिट है, फोर्थ यूनिट को आज हम पूरा का पूरा यूनिट समाप्त करेंगे, चाहे समय कितना लग जाए, ठीक है। और बेसिक से लेकर जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको मैं पूरा बताऊंगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम कम्युनिकेशन, इंग्लिश में हम इसे कम्युनिकेशन कहते हैं और हिंदी में इसको संप्रेषण कहते हैं, या इसे संचार भी कहा जाता है, ठीक है। और ये समझ में आ गया तो आपको आईसीटी भी समझ में आ जाएगा। आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसमें भी कम्युनिकेशन है और यहां पर भी इंफॉर्मेशन है। याद रखिएगा, मैं एक फार्मूला बता रहा हूं, ठीक है, एक फार्मूला बता रहा हूं, ठीक है, उसी से हम पूरा का पूरा समझेंगे। जैसे सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है सोर्स, ये पहला काम है, सोर्स का होना जरूरी है, जिसको हम हिंदी में स्रोत कहते हैं या स्रोत कहते हैं। ये स्रोत का होना बहुत जरूरी है, इसी स्रोत में ही, याद रखिएगा, इसी स्रोत में यहां पर सेंडर होता है। सेंडर, सेंडर मतलब प्रेषक, ये प्रेषक होता है, एक ही जगह होता है, ठीक है। तो हम यहां पर पहला और ये दूसरा या फर्स्ट कह सकते हो, मोटे तौर पर इसे वन कहते हैं, इसको हम वन कहते हैं, या इसको आप फर्स्ट कहो या सेकंड कहो, मैं स्मॉल में कर दिया और इसको हम जो है एक कह दिया, यानी कि सोर्स और सेंडर एक ही जगह पर होता है। अब उसके बाद में ये जो सेंडर है, सेंडर के बाद में जो उपयोग होता है, ध्यान दीजिएगा, सेंडर के बाद में यहां पर एनकोड होता है, एनकोड, एनकोडिंग बोल सकते हो, और ये जो करने वाला को एनकोडर कहा जाता है, एनकोडर, ठीक है, एनकोडर, ठीक है। और ये भी प्रेषक एनकोडिंग करता है, एनकोडर है, ये भी थर्ड एक ही चीज है, याद रखिएगा, ये तीनों एक ही चीज है, सोर्स का है, सेंडर का है, एनकोडिंग करने वाला एनकोडर का है, ठीक है। तो सब एक ही चीज है, ठीक है, एक ही चीज में आता है, वन टू थ्री, और ये वन है, यानी कि हम पहला पॉइंट ले रहे हैं, पहला पॉइंट स्रोत, सेंडर और एनकोडिंग करने वाला एनकोडर। अब यहां से शुरुआत होता है, ठीक है, यहां से शुरुआत होगा, अब मैसेज होगा, मैसेज, क्योंकि मैसेज को यहां पर मैं डाल देता हूं, ठीक है, मैसेज का होना बहुत जरूरी है, एनकोड, एनकोड किया जाएगा, ठीक है। एनकोड कैसे करेगा, लिखकर, बोलकर, बोलेगा ना, जो शब्द निकल रहा है, शब्द हिंदी में जो शब्द निकल रहा है, इंग्लिश में जो शब्द निकल रहा है, जो संकेत हो रहा है, उसको एनकोड करना, कोडिंग करना, एनकोड जो शुरुआत करके कोडिंग कर रहा है, जैसे मैं यहां पर इशारा कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये मैसेज होगा, मैसेज के बाद में यहां पर माध्यम होगा, मीडियम, मीडियम कहें या इसको माध्यम कहें, ठीक है, ये होता है माध्यम, ठीक है, माध्यम का होना बहुत जरूरी है, ये यही बस बीच का भाग है, ये माध्यम जो है, इसके बाद में डिकोडिंग होगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर डी कोडिंग होगा, डी कोडिंग,
ठीक है, ये जो होगा डिकोडिंग डिकोडर के पास में होगा, डिकोडर यानी डिकोडर का मतलब ये जो एनकोडिंग किया गया था वही मैसेज माध्यम माध्यम के सहारे ये डिकोड हो रहा है, वहां पर पहुंच रहा है। और इसमें जो होगा, इसमें जो होगा रिसीवर होगा, रिसीवर ठीक है, रिसीवर होगा ठीक है। और ये जो रिसीवर है इसको पढ़ेगा, इसको बोलते हैं इंटरक्रिएशन, इंटरप्रिएट करना, इंटरप्रिएट, इसको इंटरप्रिएट करेगा, उसको पढ़कर समझेगा। और समझकर यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये सीधा सीधा जो है, सीधा सीधा ठीक है, सीधा सीधा ये यहां से ऐसा आएगा और ये रिप्लाई करेगा, इंटरप्रेट करने के बाद में ये रिप्लाई करेगा, रिप्लाई कि हाँ जो आपने डिकोड किया था, सॉरी एनकोड किया था, उसको मैंने डिकोड कर दिया, यानी कि वो मैसेज मुझे प्राप्त हो गया। सेम टू सेम एनकोड और डिकोड में ये होता है, ये भेजने वाला संदेश, प्राप्त होने वाला संदेश रिसीवर होता है, प्राप्तकर्ता होता है, उसको मिल गया, मिलने के बाद में उसको पढ़ेगा, उसको इंटरप्रिएट करेगा, अच्छा या खराब, बेहतर ठीक है, बेहतर मैसेज है या खराब मैसेज है, या उसको गुस्सा आएगा, इंटरप्रिएट होगा, उसको खुशी होगी ठीक है। आप वहां से वो रिप्लाई करेगा, इसको बोलते हैं फीडबैक ठीक है, फीडबैक। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसी को बोलते हैं प्रतिक्रिया। हम जो पढ़ाई करेंगे इसी के आधार पर करेंगे ठीक है। आप देखिएगा सोर्स में क्या क्या चीजें होती है, सोर्स का मतलब हमारा मस्तिष्क में है, ये मस्तिष्क से सीधा सीधा संबंध है, मस्तिष्क, मस्तिष्क में क्या क्या आता है, विचार आता है, सोच विचार आता है। तो ये जो सोच और विचार है ये सोर्स है ठीक है, या जो सूचना होती है, इंफॉर्मेशन होती है, सूचना, या हम कह सकते हैं कई तथ्य होते हैं ठीक है, कोई फैक्ट होता है, इंफॉर्मेशन होता है ये, इंफॉर्मेशन ये फैक्ट, बहुत सारे फैक्ट, कोई बात, सोच विचार, कोई थॉट ठीक है, ये यहां पर होता है, स्रोत में होता है, या कोई घटना, घटना भी कह सकते हैं ठीक है, जो इवेंट्स होता है ठीक है। तो ये जो है सोर्स के अंतर्गत आता है, सोर्स है। और यहां पर फिर हम पढ़ेंगे सेंडर जो होगा ठीक है, अभी जो हम पढ़ेंगे सेंडर और रिसीवर, मैं सेंडर को एस लिख दूंगा और रिसीवर को आर लिख दूंगा, और ये जो व्यक्ति है इसी के आधार पर हम संप्रेषण के प्रकार को समझेंगे एस और आर मेथड से ठीक है। फिर उसके बाद में यहां पर माध्यम के आधार पर भी देखेंगे, माध्यम के आधार पर ये प्रकार होता है, माध्यम के आधार पर प्रकार, सेंडर और रिसीवर की संख्या के आधार पर, एनकोडिंग के आधार पर, मैसेज के आधार पर, ये प्रकार होता है, संप्रेषण का प्रकार होता है ठीक है। सबका अपना अपना उद्देश्य है, शायद ये ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम एस और आर के आधार पर संप्रेषण के प्रकार कितना होता है इसको हम समझते हैं, ये ग्राफ आपको समझ में आ गया। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैं साफ साफ उतार दे रहा हूं ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए ठीक है। यदि आपको समझ में आ रहा है तो अभी आप लाइक कर दें तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको समझ में आ गया। मैं कह रहा हूं संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर ठीक है, संख्या के आधार पर संप्रेषण के प्रकार, संप्रेषण के प्रकार को हम जानेंगे। यहां पर संख्या से तात्पर्य
ठीक है, हमारा संख्या से तात्पर्य एस और आर से है, एस और आर, यानी कि किसी भी संप्रेषण में एस और आर के बिना संप्रेषण नहीं हो सकता। एस मतलब सेंडर, यहां पर मैं बार बार नहीं बोलूंगा, ये सेंडर हो गया, ये रिसीवर हो गया, यानी कि कम से कम दो व्यक्ति का होना जरूरी है, एक सेंडर होगा दूसरा रिसीवर होगा। जो बोलने वाला व्यक्ति है, जो बोल रहा है, यानी कि इसको हम लोग वक्ता कहें, ये वक्ता है, ये श्रोता है, ठीक है, ये वक्ता है और ये श्रोता है, इसी प्रकार से, ठीक है, ये लेखक है, ये लेखक है, ये पाठक है, ये जो होता है ना बाद्य, दो व्यक्ति तो होना जरूरी है, लेखक पाठक, ठीक है, ये फिल्म के डायलॉग है, कोई डायलॉग है फिल्म में, डायलॉग, ठीक है, इसमें जो है उस डायलॉग को सुनने वाला देखने वाला दर्शक श्रोता होते हैं, ठीक है, यानी कि यहां पर सेंडर और रिसीवर का होना बहुत जरूरी है, ठीक है, दो चीजें होना बहुत जरूरी है, इसी को हम जो है समझने की कोशिश करते हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, दो व्यक्ति तो होना चाहिए कह रहा हूं, ये एस है, ठीक है, ये एस है और यही पर ही रिसीवर है, ये एस और यानी कि सेंडर और रिसीवर एक ही व्यक्ति हो, ये एक ही व्यक्ति है, ठीक है, सेंडर और रिसीवर, ठीक है, सेंडर और रिसीवर एक ही व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति हो, यानी कि अलग अलग व्यक्ति ना हो, ठीक है, वक्ता और श्रोता दोनों एक ही हो, यानी कि यह कैसे पॉसिबल है भाई, वक्ता और श्रोता दोनों एक ही व्यक्ति हैं, ठीक है, दोनों एक ही व्यक्ति हैं, तो इसको हम लोग जो है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं, इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है, अंत व्यक्तिक संप्रेषण कहते हैं हिंदी में, यहां पर इसको अंत लिख देंगे, अंत अंत व्यक्तिक संप्रेषण या संचार, यानी कि ये कैसा है, सेंडर और रिसीवर एक ही व्यक्ति है, यानी कि हम लोग जो सोच विचार खुद में सोच विचार करते हैं, आत्मचिंतन इसका उदाहरण है, आत्मचिंतन करना, खुद में चिंतन करना, आत्मचिंतन, ठीक है, हम आत्मचिंतन करते हैं कि नहीं, है, दोनों होता है, हम प्रश्न करते हैं हम ही उत्तर देते हैं, है, अरे 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 तू बहुत बदमाश हो गया है क्योंकि तू पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा, अपने आप से बात करना, ठीक है, आत्मचिंतन का मतलब क्या होता है, अपने आप से बात करना, अपने आप से, अपने आप से बात करना, ठीक है, पिक्चर में दिखाता है ना उनके जैसे ही एक सीन सामने में खड़ा कर देता है और वो दोनों वार्तालाप करते हैं और एक कहता है कि नहीं मैं सुसाइड करने जा रहा हूं, दूसरा कहता है कि तू बहुत कमजोर है, तू सुसाइड करके तुझे क्या मिलेगा, ये आत्मचिंतन है, दीवा स्वप्न देखना, ठीक है, दीवा स्वप्न, दीवा स्वप्न देखना, डे ड्रीम, डे ड्रीम होता है ना, डे ड्रीम यानी कि दिन में सपने देखना, रात में सपने देखना नहीं, दिन में सपने देखना, ये भी जो है इसी के अंतर्गत आता है, इसी के अंतर्गत आत्मचिंतन है, ठीक है, या क्वेश्चन पूछ देगा आपसे, ठीक है, क्या बोलता है, सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट होता है ना, सेल्फ असेसमेंट, ठीक है, स्व आकलन,
स्व आकलन जिसको हिंदी में बोलते हैं, स्व आकलन, खुद पर आकलन करना। और स्व आकलन कब किया जाता है? जब हम लोग हार जाते हैं, ठीक है, हार जाते हैं या जीतते हैं, तो हम लोग सेल्फ असेसमेंट करते हैं, इसके पीछे क्या कारण है जो हमने जीता या हारा। शायद मुझे लगता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, और इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में भगवान का दर्शन होता है, योगा, इसमें योगा, योगा भी इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। आत्मा परमात्मा का मिलन जो है इसी से होता है, कोई सामने वाला व्यक्ति नहीं रहता, हमारे आत्मा में ही परमात्मा समाया हुआ, ऐसा कहा जाता है। आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा है, ठीक है। आत्मचिंतन से, आत्म मनन से, आत्मध्याय से परमात्मा का मिलन हो सकता है, तो इसीलिए इसको हम लोग जो है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। शायद मुझे लगता है ये भी समझ में आ गया होगा। अब दूसरा देखते हैं, ठीक है, दूसरा देखते हैं। यहां पर दो व्यक्ति होते हैं, एस और आर, एस और आर, दो ही व्यक्ति हो, इन्होंने कुछ कहा, इन्होंने रिप्लाई दे दिया, ठीक है। एस ने कहा हाउ आर यू, हाउ आर यू, और इनके पास में मैसेज गया और कहा कि आई एम फाइन, आई एम फाइन, ये कर दिया। तो यहां पर दो व्यक्ति हैं, इसको बोलते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है, यानी कि अंतः व्यक्ति, देखिएगा इसमें अंतः, अंतः व्यक्ति संप्रेषण, इसमें कम से कम दो व्यक्ति का होना जरूरी है। इसका उदाहरण है, इसका उदाहरण है, ध्यान दीजिएगा, संख्या दो है, ठीक है। इसका इसका उदाहरण है साक्षात्कार, फेस टू फेस साक्षात्कार इसका उदाहरण है, ठीक है, यानी कि फेस टू फेस, फेस टू फेस, इसको एफ टू एफ भी कहते हैं, एफ टू एफ, यानी कि फेस टू फेस होना चाहिए। जैसे क्लासरूम, क्लासरूम कम्युनिकेशन जो होता है, क्लासरूम, क्लासरूम कम्युनिकेशन, ठीक है, क्लासरूम कम्युनिकेशन में क्या होता है, एक टीचर होता है, टीचर, और एक स्टूडेंट होता है, एक स्टूडेंट की बात कर रहा हूं मैं, एक स्टूडेंट, ये क्या है, ठीक है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है। कम से कम दो होना चाहिए, कम से कम दो, ठीक है, आप समझ में आ गया बात, दो व्यक्ति का होना बहुत जरूरी है, ठीक है, यानी कि सेंडर और रिसीवर का होना बहुत जरूरी है, इसको हम लोग इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। आइए अब संख्या के आधार पर देखते हैं हम तीसरा जो है, शायद पूरी तरह से समझ में आ गया होगा ऐसा लग रहा है मुझे, तीसरा जो है, ठीक है, ग्रुप कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होता है, यहां पर देखिएगा, ग्रुप कम्युनिकेशन में क्या होता है, एक सेंडर होता है, ये सेंडर है, और कई रिसीवर होते हैं, ये रिसीवर नंबर वन, रिसीवर वन, रिसीवर टू, रिसीवर थ्री, रिसीवर फोर, ऐसे रिसीवर फाइव। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ग्रुप कम्युनिकेशन में क्या विशेषता है, एक सेंडर होगा, सेंडर कितने होंगे, एक होगा, एक सेंडर, और कई रिसीवर होंगे, लेकिन रिसीवर की संख्या, रिसीवर की संख्या निश्चित होगी, निश्चित संख्या में होगी, 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, जिसको गिना साल जा सकता है, लेकिन रिसीवर की संख्या निश्चित होनी चाहिए, निश्चित संख्या होनी चाहिए।
अनिश्चित संख्या नहीं, ठीक है। यदि ये अनिश्चित संख्या हो जाए तो ये मास कम्युनिकेशन कहलाएगा, यही ग्रुप कम्युनिकेशन मास कम्युनिकेशन में बदल जाएगा। मास कम्युनिकेशन का क्या है, यहां पर मास कम्युनिकेशन कहता है जनसंचार कहता है, ठीक है। जनसंचार की भी यही विशेषता है, क्या है, यहां पर एक सेंडर होगा, ठीक है, एक सेंडर होगा, सेंडर एक होगा और रिसीवर अनेक होगा, अनेक, और ये अनिश्चित संख्या में होगी, अनिश्चित, अनिश्चित संख्या होगी, ठीक है। शायद ये भी समझ में आ गया होगा, जब ये निश्चित संख्या में हो, ठीक है, तो ये ग्रुप कम्युनिकेशन, और जब ये अनिश्चित संख्या में हो मास कम्युनिकेशन। इसका उदाहरण क्या है, ठीक है, इसका उदाहरण क्या है, प्रवचन, आपने प्रवचन तो सुने होंगे, ठीक है। प्रवचन, प्रवचन में क्या होता है, एक भाषण देने वाला व्यक्ति होता है, होता है कि नहीं होता है, एक भाषण देने वाला व्यक्ति होता है, ठीक है, और श्रोता ढेर सारे होते हैं, होते हैं ढेर सारे श्रोता, यानी कि ये प्रवचन, ये क्लासरूम कम्युनिकेशन है, क्लासरूम में भी होता है। क्लासरूम कम्युनिकेशन दो तरीका का हो गया, ठीक है। क्लासरूम कम्युनिकेशन में एक टीचर होते हैं, एक टीचर और कई स्टूडेंट्स होते हैं, होते कि नहीं होते, कई स्टूडेंट्स होते हैं, और ये कई स्टूडेंट मतलब निश्चित होते हैं, निश्चित, निश्चित संख्या में होता है। और यहां पर क्या है, न्यूज़पेपर को देख लीजिए, मास कम्युनिकेशन में न्यूज़पेपर को देख लीजिए, न्यूज़पेपर क्या है, न्यूज़पेपर में, ठीक है, यानी कि न्यूज़पेपर का मालिक संपादक, संपादक एक है, संपादक एक है, और पाठक कई होते हैं, और ये चिन्हांकित नहीं होता कि कितने लोग पढ़े, पाठक, पाठक कई होते हैं, अनिश्चित संख्या में होता है। जैसे मान लीजिए YouTube चैनल है, YouTube चैनल क्या है, ठीक है, YouTube चैनल में, ठीक है, निश्चित संख्या नहीं रहता, ठीक है। या आपने देखा होगा टेलीविजन है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, ठीक है, तो ये जो होते हैं ये मास कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है, ये ग्रुप कम्युनिकेशन होता है। शायद ये भी समझ में आ गया होगा, ये चौथा प्रकार हो गया मास कम्युनिकेशन, ठीक है। अब मैं पांचवा चीजें बता रहा हूं जहां से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, एक ही क्लास में खत्म कर दूंगा मैं, चाहे समय जितना लगे। अब नेक्स्ट है पांचवा, यहां से प्रश्न पूछा जाता है, क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन, और इसको हिंदी में भी यही लिखा जाता है, क्रॉस, क्रॉस ही लिखा जाता है, क्रॉस, ठीक है, कल्चरल संप्रेषण ही कहा जाता है, हो सकता है हिंदी में बोलते होंगे, यदि आप जानते हो तो जरूर बताएं, कमेंट्स में लिखकर बताएं, यह भी आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्रॉस कल्चरल संप्रेषण में क्या होता है, इसमें भी सेंडर और रिसीवर तो होंगे ही, क्यों नहीं होंगे, सेंडर होगा और इसमें भी रिसीवर होगा, लेकिन ठीक है, सेंडर और रिसीवर तो होगा ही इसमें जो है, लेकिन ये क्रॉस कल्चरल का होगा। मान लीजिए एस सेंडर हिंदी जानता हो, हिंदी, हिंदी का जानता हो, और आर इंग्लिश जानता हो, आर इंग्लिश जानता हो, ठीक है, और दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होगा तो क्या होगा, क्रॉस कल्चरल होगा, क्रॉस कल्चरल, यानी कि थोड़ा थोड़ा ये हिंदी जानता है, थोड़ा थोड़ा ये अंग्रेजी जानता है, तो इशारों में कहेगा हाउ मच, ये हिंदी वाला क्या कहेगा, ठीक है, हाउ मच, हाउ मच, ये कितना रुपया है, ये कितना, हाउ मच रुपीस बोलेगा, हाउ मच रुपीस, क्योंकि वो इशारों का सहारा ज्यादा लेता है, ठीक है, इशारों का सहारा ज्यादा होता है, याद रखिएगा,
गैर शाब्दिक संप्रेषण का प्रयोग ज्यादा होगा, गैर शाब्दिक संप्रेषण शब्द का प्रयोग बहुत कम होगा, शाब्दिक संप्रेषण कम होता है, गैर शाब्दिक संप्रेषण ज्यादा होता है। है आपने सुना होगा जब अंग्रेजी अंग्रेजी कोई बोलता है और अंग्रेजी समझ में नहीं आता है तो यही कह देते या 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 या। तो ये इस प्रकार के हैं, ठीक है, हिंदी और अंग्रेजी। और ये सबसे बड़ी बाधा है, टीचिंग की सबसे बड़ी बाधा है, कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी बाधा है, भाषा, ध्वनि, उच्चारण, ठीक है, भाषा सबसे बड़ी बाधा है संप्रेषण में। यदि आप तमिल तेलुगु बोल रहे हैं, आप उत्तर भारत के लोग हैं, आपको नहीं आता है तो बोलते हैं कि काली काला अक्षर भेस बराबर, आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये बाधा बाधक तत्व है, भाषा, ध्वनि, उच्चारण। भाषा यानी कि सेंडर और रिसीवर दोनों एक ही भाषा जानता हो और दोनों एक ही भाषा में कमांड ज्यादा हो, ठीक है। और ध्वनि, ध्वनि भी पीच भी सही आना चाहिए, पीच बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां पर ज्यादा बोलना है, कहां पर धीरे बोलना है, कहां पर, जैसे मान लीजिए रोना है, मान लीजिए आपको रोने का मन हो रहा है, ठीक है, तो जब रोने का मन हो रहा है तो आप तो मुस्कुरा नहीं सकते, आप मुस्कुरा के रोएंगे तो क्या कर, मजाक बना के रखा है क्या, ठीक है। दुख होगा, सुख होगा, सुखी होगा, ठीक है, सुख मिल रहा है उस समय आप रोते हैं तो भी ठीक नहीं होगा। ये ध्वनि उच्चारण ये बाधक तत्व होता है, ठीक है। ये पांच पॉइंट जो है आपको मैंने संख्या के आधार पर संप्रेषण बता दिया। आप देखिएगा जहां से प्रश्न पूछा जाता है, तो ये तो संख्या है लेकिन संगठनात्मक संप्रेषण के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, संगठनात्मक संप्रेषण, ठीक है, संगठनात्मक संप्रेषण यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन क्या होता है, यानी कि ये संस्थागत है। संगठनात्मक मतलब होता है कोई संस्था में, संस्था से था, इसका सीधा सीधा संस्था से है, ठीक है, इंस्टीट्यूशन से है, ठीक है। मैं संप्रेषण कैसे होता है, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफिस में, जैसे गवर्नमेंट ऑफिस की बात करते हैं, गवर्नमेंट ऑफिस में जब जाते हैं तब, या कोई कंपनी में जब संप्रेषण होता है तब किस तरह से होता है। यहां पर सेंडर और रिसीवर जो है दो व्यक्ति होते हैं, ठीक है, ये सेंडर है, ये रिसीवर है, ठीक है। सेंडर बॉस होता है, बॉस, बॉस को हम सेंडर कहते हैं, यहां से सारी सूचनाएं जो है आती है। और रिसीवर जो है एम्प्लॉय होते हैं, एम्प्लॉय, ठीक है, एम्प्लॉय होते हैं। तो ये जो है कैसे चलता है इसका, तो ये जो है दो प्रकार से चलता है, ठीक है, औपचारिक संप्रेषण, ये दो प्रकार का होता है, औपचारिक, औपचारिक संप्रेषण होता है, और दूसरा अनौपचारिक, अनौपचारिक संप्रेषण, फॉर्मल, ये फॉर्मल कम्युनिकेशन है और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, ठीक है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ये दोनों चीजों को अपने को पढ़ना है, यहां से प्रश्न सबसे ज्यादा पूछा जाता है। चलिए आते हैं यहां पर, पढ़ते हैं सीधा औपचारिक, औपचारिक यानी कि फॉर्मल, फॉर्मेलिटी आपको निभानी पड़ती है। फॉर्मल संप्रेषण का मतलब फॉर्मल, ठीक है, फॉर्मल कम्युनिकेशन में आपको फॉर्मेलिटी निभानी पड़ेगी। जैसे उदाहरण के रूप में आपको कलेक्टर से मिलना है, जैसे मान लीजिए एस, यहां पर एस की बात कर रहे हैं, एस मान लीजिए कलेक्टर है, ये कलेक्टर है, कलेक्टर सर है, ठीक है। और मान लीजिए ये गांव का मजदूर है,
ठीक है, यहाँ पर भी कोई व्यक्ति होगा, डिप्टी कलेक्टर होता है, एसडीएम होता है, आपने पता होगा, आपको एसडीएम होगा, इसमें क्या होता है, तहसीलदार होता है ना, तहसीलदार होता है, फिर नायब तहसीलदार होता है, नायब तहसीलदार होता है कि नहीं होता है, ठीक है, नायब तहसीलदार होता है, फिर उसके बाद में पटवारी आरआई होते हैं, आपको पता होगा, पटवारी और आरआई होते हैं, और इसके बाद में किसान होते हैं, किसान, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मेलिटी निभानी पड़ती है, कैसे निभाएगा, यानी कि किसान डायरेक्ट कलेक्टर से नहीं मिल सकता, ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, या कलेक्टर डायरेक्ट किसान को ऑर्डर नहीं दे सकता, दे सकता है क्या, न किसान कलेक्टर्स को डायरेक्ट निवेदन कर सकता है, करते हैं लेकिन एक औपचारिकता की बात कर रहा हूं, आजकल सिस्टम थोड़ा सा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, लेकिन कम्युनिकेशन को समझिए, आप कलेक्टर के पास में जाएंगे, कहेगा कि मना कर देगा, बोले जाओ भाई जाओ, कल मिलना, अपॉइंटमेंट है आपके पास, ठीक है। तो कोई भी फाइल जो बढ़ती है किसान से डायरेक्ट कलेक्टर, मान लीजिए किसान ने आवेदन दिया कलेक्टर को, कलेक्टर वहीं पर ऑर्डर नहीं कर देता है, उनको उनको इतना अधिकार नहीं रहता है, ठीक है। तो यानी कि स्टेप बाय स्टेप चलता है, कलेक्टर एसडीएम को ऑर्डर करता है, ये ऑर्डर देता है कि नहीं, कोई भी ऑर्डर जो होता है आदेश जारी किया जाता है, ठीक है, या कोई निर्देश जारी किया जाता है, आदेश निर्देश, ठीक है। तो किनको देगा, कलेक्टर एसडीएम साहब को देगा, एसडीएम साहब को देगा, एसडीएम तहसीलदार को देगा, तहसीलदार नायब तहसीलदार को देगा, नायब तहसीलदार पटवारी और आरआई को देगा, और फिर किसान तक सूचनाएं जो है प्राप्त हो जाती है, ठीक है। ये जो ऊपर से नीचे की ओर चल रही है, देखो यहां पर ऊपर से नीचे, ठीक है, ऊपर से नीचे और स्टेप बाय स्टेप चल रही है, तो इसको हम लोग जो है वर्टिकल बोलते हैं, वर्टिकल, वर्टिकल, और ये फॉर्मल है, ये फॉर्मल कम्युनिकेशन है, ये वर्टिकल, ठीक है। इसमें आदेश जारी किया जाता है, निर्देश जारी किया जाता है, कोई नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, ठीक है, ऑर्डर निर्देश जारी किया जाता है, यानी कि कलेक्टर किसान से काम करवाना चाहता है, काम कराता है, ये काम कराने का तरीका है, कार्य विधि है, ठीक है। और यही चीज यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर किसान है, किसान को कोई प्रॉब्लम है, ये किसान को कोई प्रॉब्लम है और ये आवेदन देना चाहता है, तो ये, ठीक है, पटवारी को जाकर देता है, पटवारी को देता है या आरआई को देता है, आपने देखा होगा किसान लोग आरआई पटवारी से बहुत ज्यादा निकटस्थ रहते हैं। फिर इसके बाद में पटवारी आरआई जो है तहसीलदार नहीं तहसीलदार को देते हैं, क्षेत्र अधिकार बटा हुआ है, तहसीलदार या नायब तहसीलदार, ठीक है, तहसीलदार और नायब तहसीलदार को यह अभ्यावेदन दे देगा, ठीक है। और ये जो तहसीलदार नायब तहसीलदार है ये एसडीएम को देता है, एसडीएम साहब को देते हैं, एसडीओ बोलते हैं इसको, एसडीएम तो नहीं बोलेंगे लेकिन एसडीओ और एसडीएम एक ही चीज है, और इसके बाद में एसडीएम साहब जो है कलेक्टर को देता है, कलेक्टर के पास में ऐसा ऑर्डर पहुंचता है, ठीक है। तो जब ये क्या हो रहा है, अभ्यावेदन दे रहे हैं, प्रॉब्लम की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है, तो यहां पर इसको हम लोग जो है होरिजॉन्टल बोलते हैं, होरिजॉन्टल है फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं, सॉरी होरिजॉन्टल नहीं, ये भी वर्टिकल है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कैसे कह सकते हैं, ये भी तो वर्टिकल है, वर्टिकल ही है, ऊपर से नीचे, ये अप है, ये अप टू डाउन है, अप टू डाउन, और ये भी वर्टिकल है, ये नीचे से ऊपर की ओर आ रही है, नीचे से ऊपर, ठीक है, ये भी वर्टिकल है, ये भी वर्टिकल है,
ये भी फॉर्मल कम्युनिकेशन है, फॉर्मल कम्युनिकेशन है ये, ठीक है। लेकिन डाउन टू अप है, ये डाउन टू अप, समझ में आया, डाउन टू अप चल रहा है, ये दोनों एक ही चीज होता है, ठीक है, ये दोनों एक ही चीज है और दोनों फॉर्मल कम्युनिकेशन में आता है। और फॉर्मल कम्युनिकेशन का जो ये वर्टिकल कम्युनिकेशन है, वर्टिकल वर्टिकल यानी कि ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की ओर जब जाता है, इसका काम क्या है, इसमें अनुरोध किया जाता है, इसमें याद रखिएगा अनुरोध करते हैं, अनुरोध करना, ठीक है, इसमें अनुरोध किया जाता है, ठीक है, इसमें आदेश दिया जाता है, आदेश और निर्देश दिया जाता है, दोनों में बहुत अंतर है, इसमें निवेदन किया जाता है, निवेदन करना, ठीक है, निवेदन करना होता है, ठीक है, इसमें आदेश नहीं दिया जाता है, इसमें निवेदन करना पड़ता है, यही है, इसमें पिटीशन दायर किया जाता है, पिटीशन दायर करना, ठीक है, जितने भी पिटीशन होता है इसके माध्यम से होता है, ठीक है, अभ्यावेदन देना, अपनी समस्या को बताना, ठीक है, इसमें समस्या का निराकरण बताता है, इसमें समस्या का निराकरण बताएगा, ठीक है, और इसमें समस्या को बताया जाएगा, ये समस्या को बताएगा और समस्या का समाधान करेगा, आदेश और निर्देश देगा, ये ऐसा चलेगा और फिर ऐसा आकर चला जाएगा, ये यहां से फिर यहां आएगा, यानी कि कोई समस्या संगठनात्मक में कोई समस्या है, क्रिएट हो रहा है, तो वो इसके माध्यम से यहां तक जाएगा और फिर यहां से इसका समाधान होगा, ठीक है। मुझे लगता है फॉर्मल कम्युनिकेशन में वर्टिकल समझ में आ गया, अब देखिएगा वर्टिकल तो समझ में आ गया आपको, लेकिन इसमें हॉरिजॉन्टल भी होता है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, इसमें देखिएगा दूसरा प्रकार के फॉर्मल में हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, फॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है, फॉर्मल कम्युनिकेशन, इसमें फॉर्मल रहता है, इसमें फॉर्मेलिटी रहता है, ठीक है, औपचारिकता रहती है इसमें, लेकिन इसमें ऐसा चलता है, ये समान रैंक के व्यक्ति होते हैं, ऐसा चलेगा, आप समझ आ रही मेरी बात, ऐसा चलेगा या ऐसा चलेगा, ऐसा एक समान चलता है, ये हॉरिजॉन्टल होता है, वो वर्टिकल हुआ, ठीक है, ये ऐसा। और यहां से प्रश्न जरूर क्वेश्चन पूछता है, क्या क्वेश्चन पूछता है भाई, क्वेश्चन ये पूछता है, ये पटना के कलेक्टर है, पटना के कलेक्टर, ठीक है, पटना के कलेक्टर है, ठीक है, ये लखनऊ के कलेक्टर है, लखनऊ के, लखनऊ के कलेक्टर, सब एक ही रैंक के होते हैं, लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, ये हो सकता है रायपुर का कलेक्टर है, रायपुर का कलेक्टर, समझ में आया, यानी कि सभी लोग एक समान रैंक के होते हैं, और जब समान रैंक के साथ में जब संप्रेषण होता है तो उसको हॉरिजॉन्टल फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे जैसे यहां पर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लीजिए मैनेजर है, एचआर मैनेजर है, एचआर मैनेजर, ठीक है, ये एचआर मैनेजर मान लीजिए, ठीक है, ये पर्सनल मैनेजर से बात करना चाहता है, पर्सनल मैनेजर, ठीक है, क्योंकि दोनों डिपार्टमेंट अलग अलग है और दोनों के बीच में संवाद हो रहा है, दोनों के बीच में संवाद होना यानी कि दोनों एक ही रैंक का है, मैनेजर है लेकिन डिपार्टमेंट अलग अलग है, तो ये हॉरिजॉन्टल फॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाएगा, यानी कि इसी में आपका अर्धशासकीय पत्र भेजा जाता है, ऐसे पत्र अर्धशासकीय पत्र होता है, अर्धशासकीय, अर्धशासकीय पत्र होता है,
डीओ लेटर जिसको कहते हैं, यानी कि जब पटना कलेक्टर, जब कलेक्टर लखनऊ को पत्र प्रेषित करेगा तो डीओ लेटर भेजेगा, एक ही रैंक का व्यक्ति है। यहां पर सादर प्रणाम लिख सकता है, रेस्पेक्टेड डियर फ्रेंड लिख सकता है, फ्रेंड भी हो सकता है क्योंकि एक ही रैंक है। जैसे रैप, जैसे छत्तीसगढ़ का सीएम, ठीक है, उत्तर प्रदेश के सीएम से बात करें, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल फॉर्मल कम्युनिकेशन है। जब हमारा प्रधानमंत्री किसी देश के प्रधानमंत्री से बात करता है, एक ही रैंक का है, ठीक है। जब हमारा कोई सेक्रेटरी किसी दूसरे देश के सेक्रेटरी से बात करता है, एक ही रैंक का है। एक डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी दूसरे डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी से वार्तालाप होता है तो हॉरिजॉन्टल फॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाता है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल संगठनात्मक में भी जो है, जो संगठन होता है वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी होता है, इनफॉर्मल, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, अनौपचारिक, अनौपचारिक संप्रेषण। अनौपचारिक संप्रेषण क्या होता है, इसमें औपचारिकता निभानी नहीं पड़ती है, ठीक है। इसमें अनौपचारिक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इसको हम लोग जो है क्लस्टर कम्युनिकेशन कहते हैं, इसको हम लोग क्लस्टर, क्लस्टर कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं। यानी कि कुछ कुछ संप्रेषण कहते हैं या संचार कहते हैं, और ये कुछ से तात्पर्य अंगूरी लता है, इसको हम लोग अंगूरी लता, लता संप्रेषण भी कहते हैं, क्योंकि अंगूरी लता मतलब ग्रेप्स, ग्रेप्स होता है ना, ग्रेप्स अंगूर होता है, अंगूर का जो लड़ी होता है। तो ये कहां पर होता है, परिवार में, समाज में होता है, दोस्तों के बीच में होता है, परिवार, समाज, ठीक है, परिवार समाज में ये चलता है, दोस्तों के बीच में, दोस्तों के साथ, ठीक है, दोस्तों के साथ में ये कम्युनिकेशन होता है। जैसे कि उदाहरण के रूप में ये अफवाह, आप लोगों ने देखा होगा, अफवाह, अफवाह है, इसका बढ़िया सा उदाहरण है, ठीक है। सोशल मीडिया में कोई रेस्पेक्ट, औपचारिकता नहीं होती, सब एक बराबर होते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, देखे होंगे, जैसे जैसे उदाहरण के रूप में, ठीक है, उदाहरण के रूप में यहां पर एक व्यक्ति है, ये पर, ये एस है, ये एस है, इन्होंने एक सूचना दिया आर वन को, ठीक है, ये सूचना दिया आर टू को, आर टू मतलब रिसीवर है, ये एस ने सूचना दिया आर थ्री को, कहा कि, ठीक है, ऐसे ही बता दिया कि देखो बोले ये हो गया, आज की ताजा खबर ये हुआ। तो ये जैसे ही सुनता है वो मर गया, ए ने मर गया, ए मर गया भाई, अरे यार कितना अच्छा दोस्त था, वो मर गया। तो यहां पर आर वन कहता है, कई जगह ऐसे बता देता है, ये तीन चार जगह, पांच जगह बता देगा, ठीक है, ये पांच जगह बता दिया, और फिर ये व्यक्ति जो है तीन चार आदमी को बता दिया, ठीक है, ये जो है तीन चार आदमी को बता दिया, ये भी तीन चार आदमी को बता दिया, ये भी कई आदमी को बता दिया, भाई हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक है, समझाने का तरीका है ही, देखिएगा यहां पर ये भी ऐसी होगा, ये भी एक व्यक्ति को बताया, फिर ये कई व्यक्ति को बता दिया, कई व्यक्ति को बता दिया, ये भी बता दिया होगा ऐसा। ये जो है गुच्छ, यानी कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, इसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं निभाता। जैसे बेटे को बाप से बात करना है तो कोई फॉर्मेलिटी नहीं, कोई अपॉइंटमेंट लेना नहीं पड़ता है, कभी भी अंदर घुस जाता है और कहता है कि पापा मैं आपसे बात करना चाहता हूं,
या बाप को बेटा से बात करना है या बेटी से बात करना है, बेटी को बाप से, माँ से या पिताजी से बात करना है, कोई फॉर्मेलिटी अपॉइंटमेंट लेटर नहीं लेना पड़ता है, या भाई से बात करना है या दोस्त से बात करना है, कोई औपचारिकता नहीं होती है। बोलता है कोई दोस्त यदि सर कह दे, बोलता है क्या फालतू टाइप की बात कर रहे हैं, ठीक है सर वर मत बोला कर भाई, ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, सर वर मत बोला कर, ठीक है। तो ये चीजें जो है, ठीक है, अंगूरी लता, ठीक है, या इसको क्लस्टर कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं, यहां से जरूर एक प्रश्न पूछेगा, ठीक है। आप देखते हैं दोस्तों, यहां पर माध्यम, माध्यम के आधार पर भी संप्रेषण होता है, ये तो संख्या के आधार पर हो गया, ठीक है, और यहां पर माध्यम, मीडियम, माध्यम के आधार पर, माध्यम के आधार पर संप्रेषण, ठीक है, संप्रेषण होता है। माध्यम मीन्स, माध्यम हमारा जो है कई प्रकार का है, एक तो मुंह से बोलेंगे, मुंह से बोलते हैं ना, मुंह एक माध्यम है, ठीक है। दूसरा लेटर, पेपर से, पेपर से, पेपर से करेंगे ना भाई, और तीसरा संकेत से, संकेत। ये तो तीन माध्यम है हमारे पास में। पहला माध्यम है मुंह, मतलब मुंह, जब मुंह में जब बोलते हैं तो इसमें शब्द आता है, शाब्दिक होता है, ये शब्द का प्रयोग करना पड़ता है ऊपर, शाब्दिक, ठीक है, मुंह में शाब्दिक। पेपर में भी शब्द का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है नहीं, पेपर में लिख कर करते हैं तो ये भी शाब्दिक होता है, ठीक है, दोनों शाब्दिक होते हैं, लेकिन ये अशाब्दिक होता है, इसमें शब्द का प्रयोग नहीं होता, होता है क्या, अशाब्दिक होता है, इसमें शब्द का प्रयोग नहीं करते, दोनों में शाब्दिक होता है, यानी कि पेपर में जब लिखते हैं, पेपर में जो लिखा होता है, तो मुंह में बोलते हैं तो ये जो है मौखिक होता है, मौखिक, ठीक है, मौखिक संप्रेषण होता है, और मौखिक संप्रेषण में क्या होता है, शब्द होगा, बिना शब्द का मौखिक संप्रेषण नहीं हो सकता, और शाब्दिक संप्रेषण में भी, ठीक है, यानी कि लिखित संप्रेषण होता है, लिखित, लिखकर, लिखित संप्रेषण, इसको बोलते हैं अमौखिक संप्रेषण या गैर मौखिक या अमौखिक कह सकते हैं इसको, अमौखिक, मुंह में नहीं लिखकर, या आपको लिखित संप्रेषण भी कह सकते हो। और ये संकेत जो होता है अशाब्दिक संप्रेषण होता है, ये संकेत जो होता है अशाब्दिक संप्रेषण, ठीक है, यानी कि संकेत, इशारा, इशारा, भाव भंगिमा, ठीक है, भाव भंगिमा, ये चीजें जो है, भाव भंगिमा, इशारा, भाव भंगिमा, जो ये यूनिफॉर्म भी हो सकता है, यूनिफॉर्म जो हम लोग कपड़ा पहनते हैं ना, वो भी हो सकता है, कपड़ा जो पहनते हैं, कपड़ा की जो कलर होती है, कालखंड होती है, ये सब जो है ये अशाब्दिक संप्रेषण होता है। मौखिक संप्रेषण में क्या चाहिए, मौखिक संप्रेषण में बहुत इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है, ठीक है, मौखिक संप्रेषण में जब मुंह में बोल रहे हैं तो यहां पर मौखिक संप्रेषण सबसे पहला जो ध्यान दीजिएगा, मौखिक संप्रेषण क्या है, ठीक है, मौखिक संप्रेषण क्या है, मौखिक संप्रेषण एक शाब्दिक संप्रेषण है, यानी कि शब्द का प्रयोग किया जाता है, एक शाब्दिक संप्रेषण है, ठीक है, क्लियर हो गया बात, एक शाब्दिक संप्रेषण है। इसके अलावा क्या है, इसमें शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, शब्द, तो शब्द से हमारा क्या तात्पर्य है, शब्द को तो उच्चारण करना पड़ता है, उच्चारण से है, इसका सीधा सीधा संबंध उच्चारण से है, उच्चारण भाषा से है, सही भाषा का प्रयोग होना चाहिए, भाषा उच्चारण, ठीक है, इसमें ध्वनि, ठीक है, ध्वनि, ध्वनि भी
आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका जो लय कैसे बोलना है, ठीक है। तो इसमें जो है शाब्दिक संप्रेषण में, मौखिक संप्रेषण में यहां पर संकेत भी चलता है, यानी कि यहां पर गैर शाब्दिक संप्रेषण भी चलता है, साथ साथ चलता है मौखिक संप्रेषण और यानी कि संप्रेषण जो स्किल होती है, कौशल होती है, कौशल संप्रेषण, स्किल कम्युनिकेशन जो होती है, ठीक है, जो स्किल होनी चाहिए वो तीनों सम्मिलित है तो बेस्ट माना जाता है। यानी कि मौखिक संप्रेषण भी होना चाहिए, लिखित संप्रेषण भी होना चाहिए और इशारा भी होनी चाहिए। जैसे मैं अभी, ठीक है, जो मैंने आपका गुड कम्युनिकेशन स्किल है, तीनों चीज का प्रयोग कर रहा हूं, मुंह में शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, उसको लिख रहा हूं और साथ ही साथ इशारा भी कर रहा हूं, ये इशारा कर रहा हूं, ठीक है, ये इशारा कर रहा हूं, ठीक है, ये इशारा कर रहा हूं, ये इशारा कर रहा हूं, ठीक है, ये मैं इशारा कर रहा हूं, ये मैं इशारा कर रहा हूं, ठीक है, किसी को मैं आशीर्वाद दे रहा हूं, ये सब क्या है। सब चीजें जो है आपको ध्यान रखना है, ये संप्रेषण का पाठ है, ठीक है, माध्यम के आधार पर, ये माध्यम है, बोलकर, लिखकर, संकेत के माध्यम से जब हम लोग करते हैं तो इसको हम लोग इस तरह के संप्रेषण करते हैं, ठीक है। तो संप्रेषण में क्या क्या बाधा है, बाधा, बाधक तत्व क्या क्या हो सकता है, बाधक तत्व तो बहुत है भाई, ठीक है। सबसे पहले क्या क्या बाधा पहुंचता है, आप ही लोग थोड़ा सा मनन चिंतन करें तो अपने आप मिल जाएगा। संप्रेषण में क्या क्या बाधक तत्व है, यहां से प्रश्न जरूर पूछता है, क्या क्या बाधक तत्व हो सकता है, आप ही बता दीजिए, ठीक है, क्या क्या, नॉइस, नॉइस, शोर, शोर होगा तो कैसे सुनाई देगा यार, मौखिक संप्रेषण का, मौखिक संप्रेषण में शोर बहुत बड़े बाधक तत्व है, लिखित संप्रेषण में शोर का क्या लेना देना है क्या बताइए, है, और जहां शोर हो रहा है तो वहां तो इशारा काम करता है, ठीक है, जहां भीड़ भाड़ हो, जहां शोर हो रहा हो, इशारा करो ना, क्या जरूरत है शोर से क्या लेना देना है बताओ, है। संप्रेषण का सबसे बड़ा बाधक स्रोत शोर है, नॉइज है, तो वो मौखिक संप्रेषण के लिए हो सकता है, ज्यादा हो हल्ला होने के कारण, ठीक है, तो वो जो संप्रेषण हो रहा है मौखिक संप्रेषण वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन यहां पर तो गैर शाब्दिक संप्रेषण बेस्ट होता है, क्यों नहीं होगा, ठीक है, एक चित्र लिख दिया, चित्र को हमने टांग दिया, ठीक है, भीड़ है तो क्या हुआ, आवाज आ रहा है तो उससे क्या लेना देना है, ठीक है। तो आपको यह समझना है शोर किसके लिए है, मौखिक संप्रेषण का बाधक तत्व तो है, चैनल, चैनल भी है, ठीक है, चैनल, चैनल बाधक तत्व तो है, माध्यम जो है, चैनल जो है, ठीक है, चैनल में ही तो आजकल देखे हो, अरे सर इंटरनेट नहीं चल रहा है, आजकल इलेक्ट्रॉनिक आईसीटी का जमाना है, सर इंटरनेट प्रॉब्लम है इसलिए नहीं जा रहा मैसेज, मैसेज डिलीवर नहीं हो रहा, चैनल भी है, ठीक है। भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, भाषा, लैंग्वेज बाधक तत्व है, है, क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन हो गया तो और बड़ी प्रॉब्लम है भाषा, ठीक है, समझ में आया मेरी बात चुपर। तो इस तरह से आपको मॉडल भी पूछा जाता है क्वेश्चन जो है, मॉडल, ठीक है, मॉडल में जो है आपको दो मॉडल जरूर पढ़ना है, सेशन एंड वीबर का मॉडल, मैंने इसका वीडियो बना दिया है, ठीक है, सेशन एंड वीबर का, वीबर का मॉडल है, इसको आपको पढ़ना है, मॉडल जिसमें एस कहता है, एस, एस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फिर मैसेज, फिर चैनल और फिर रिसीवर, ये इसका मॉडल है, स्रोत, मैसेज, चैनल और रिसीवर, ठीक है, ये जो है ये माध्यम है, चैनल है, ये रिसीवर है, ये स्रोत है, स्रोत करता है, ये माध्यम करता है, माध्यम, ठीक है, माध्यम की बात करता है, ये चैनल की बात करता है, ये रिसीवर की बात करता है, ठीक है, रिसीवर की बात करता है, ये इनका मॉडल है,
सेशन एंड रिवर का मॉडल जो है, और एक मॉडल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कोल एंड चेन मॉडल, इसको आपको जरूर पढ़ लेना है, ठीक है। क्या कोल एंड चेन मॉडल, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है चेन मॉडल से, ठीक है, यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। इसमें क्या चीजें दिया हुआ है इसके बारे में आपको जानना है। स्लाइड खत्म हो गया। पहला संदेश का निरूपण होगा, निरूपण वही डिकोडिंग ही है, निरूपण यानी कि फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन। फिर संकेतीकरण होगा, ये संकेतीकरण की बात करता है, संकेतीकरण, ठीक है, संकेतीकरण होगा, है, संकेतीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, संकेतीकरण होगा। फिर संचरण होगा, संचरण, संचरण, इसके बाद में संचरण होगा, संचरण, यहां पर प्रतिपुष्टि फीडबैक आएगा, फीडबैक, ठीक है, फीडबैक होगा यहां पर, और फिर ये फिर निरूपण होगा, यहां पर फिर निरूपण होगा, फीडबैक के बाद में यहां पर मिल गया तो यहां पर फिर निरूपण होगा, ये जवाब देगा ना, जवाब देगा सामने वाला व्यक्ति। फिर यहां पर क्या होगा, संकेतीकरण होगा, संकेतीकरण, ये चेन, चेन सिस्टम, चेन चल रहा है, संकेतीकरण होगा, फिर संचरण होगा, फिर क्या होगा, संचरण होगा, और फिर क्या होगा, ठीक है, फीडबैक होगा, फीडबैक, ठीक है, फीडबैक। इस तरह से क्रम चलते रहता है, इस तरह से क्रम चलेगा तो इसको जो है ये निरूपण होगा। सही, खत्म हो गया भाई, अब बंद करते हैं, ठीक है, ये निरूपण होगा, फिर संकेतीकरण होगा, संचलन होगा, फीडबैक होगा, ये कोल एंड चेन मॉडल है, ये एनकोडिंग होगा, एनकोडिंग, इसका संचलन प्रसारण होगा, टेलीकास्ट होगा, ठीक है, और उसके बाद में फीडबैक होगा। तो ये कोल एंड चेन मॉडल में इस तरह की बातें बताता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको संप्रेषण में से ढेर सारे जो टॉपिक है, जो फुल टॉपिक है, वो आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। एक लेक्चर में आपका कम्युनिकेशन समाप्त, ठीक है दोस्तों। आपको कैसा लगा जरूर बताएं, आपको और भी दूसरे टॉपिक पर इस तरह के एक घंटे का वीडियो चाहिए तो जरूर मैसेज देकर बताएं, ताकि हम नेक्स्ट टॉपिक पर इस तरह के एक पूरा का पूरा लेक्चर जो है उसी में सब शामिल हो जाए, ठीक है, और हम आपको प्रस्तुत करेंगे। और पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, थैंक यू।